हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। गाइस, हमारे चैनल पे आए हैं, सबसे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करके ऑल बटन को ऑन कर लो ताकि आगने वाले नोटिफिकेशन वीडियो जो भी आए आपको मिलते रहे। अभी हाल में देखो, मैंने टॉप 4 एयरड्रॉप बताया था और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एयरड्रॉप बताया था, टैको बताया था, जेनी एयरड्रॉप बताया था जो कि इंजेक्टिव वाला एयरड्रॉप है, और यहाँ पर मैजिक, चारों खतरनाक है। अगर आप मिस कर रहे हो तो बाद में पछताओगे। आज का भी जो टेस्ट नेट है वो भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा, जो कि यहाँ पे मैं बताऊंगा फ्यूचर में भी। तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और यहाँ पे जो भी लूट बग ऑफर अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, यहाँ पे चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे चैनल को ज्वाइन करो, बहुत सारा लूट बग ऑफर अपडेट आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहता है। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जो भी अपडेट होगा, जो भी शॉर्ट टर्म का अपडेट होगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट बता देता हूँ, और लूट का लिंक यहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो डिस्कशन चैनल में ज्वाइन हो जाना। और यहाँ पे एक्स्ट्रा लूट भी है, जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैं बताता रहता हूँ, जो भी शॉर्ट टर्म का लूट आता है मैं अपडेट करके बता देता हूँ, ठीक है। आज कौन सा लूट है, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बात करते हैं, जो कि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी जैसे आओगे तो मैं जो लूट के बारे में बताने वाला, ये आपका लूट है, टेस्टनेट है, ठीक है। एक ही लूट है, टैलेंटरी करके, टैलेंटरी जो कि अभी तुरंत ही निकला, लिखा है पावर्ड बाय टैलेंट नेटवर्क प्लेटफॉर्म वेब 3 ब्लॉकचेन एंड ब्लॉकचेन एसी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आज ही आया, जो कि यहाँ पे देखोगे इनका अपडेट आया, जो कि यहाँ पे 5 घंटे बिफोर, मतलब 5 घंटे पहले आया, जो कि यहाँ पे लिखा है 20 जून 8 बजे मॉर्निंग में लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, जो कि टेस्टनेट जो भी ज्वाइन करेगा, ठीक है, और कब तक ये ज्वाइन है, मतलब 25 जुलाई तक है, ठीक है, 25 जुलाई तक है, मतलब कि आपके पास पूरा से पूरा 1 महीना से ज़्यादा है। तो आप आज ही कर लो, ठीक है, कुछ ना कुछ दिक्कत होगा बाद में करो। तो माइल स्टोन जर्नी टैलेंट्री इम्पावर द फ्यूचर टैलेंट फ्यूज द ग्रोथ इन वेब 3 एंड बियॉन्ड, मतलब कैसे करना है यहाँ पे अचीव 150 पॉइंट करना, मैं सब कुछ बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। तो कैसे करना सारा चीज़ मैं इसका अपडेट करके बताऊंगा, तो वीडियो बने रहना कैसे करना। और यहाँ पे आपको मेटामास्क में आ जाना, और मेटामास्क आने वाले तो मेटामास्क होना चाहिए। मेटामास्क ओपन करोगे तो यहाँ मेटामास्क में आपको गोरली इथियट होना चाहिए, ठीक है। तो गोरली इटिज सबके पास होगा, नीचे आओ तो यहाँ पे देखो गोरली इटिज मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ, 0.59 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गोरिल्ला टीच रख लेना, और कैसे टेस्ट नोट करना देखो सबसे। तो अब देखो कैसे इसको टास्क करना, मैं सारा चीज़ बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। अब यहाँ पे मेन लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आओ तो यहाँ पे आपको इस पेज का लिंक दे देंगे, और इसको आपको लॉगिन करना होगा, और इसको डेस्कटॉप पे करना, ठीक है। मैं क्रिप्टो पर टैप करता हूँ और मेटामास्क वॉलेट से कनेक्ट कर लेता हूँ, जिसमें आपका गोरिल्ला टीच है उसी से करना, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट करना, गोरिल्ला टीच आपके पास होना चाहिए। गोरिल्ला टीएच नहीं बताऊँ कैसे लेना, बार बार हर वीडियो में बताता रहता हूँ मैं। इसको वॉलेट कनेक्ट करो, वॉलेट कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जैसे यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारा चीज़ आपको खुल गया, ठीक है। इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपना प्रोफाइल पे आ जाना। प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ आपका वॉलेट कनेक्ट है, सब कुछ कनेक्ट कर देख लेना, अपना फंड भी दिख रहा है, ठीक। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पे जो स्टार्ट लिखा हुआ है, इस चारों स्टार्ट को आपको करना है, एकदम ईजी है, तो मैं कर करके बताऊँगा। स्टार्ट पे आना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे लिखा है कि कंप्लीट बेसिक इन्फॉर्मेशन सेक्शन इन प्रोफाइल, मतलब प्रोफाइल में जाकर पहले बेसिक काम आपको कंप्लीट करना है। कौन कौन सा बेसिक काम है देखो, सबसे पहले नीचे यहाँ पे बेसिक काम है, कंप्लीट बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड पे टाइप करोगे। जैसे ऐड पे टाइप करो तो यहाँ पे आपको नाम पूछेगा, ठीक है। तो नाम कोई भी डाल देना, और यहाँ पे वर्किंग यहाँ कुछ भी डाल देना, 10 साल 5 साल, ये आपके ऊपर कितना डाल रहे हो यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी डाल दो, ठीक है। मैं कुछ भी लोकेशन उसमें इंडिया करना इसमें, ठीक है। यहाँ पे इंडिया कर देना, इंडिया इसमें नहीं है, इंडिया हेड कर देते हैं, ठीक। कोई भी आप कंट्री सिलेक्ट करना, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, ईमेल आईडी सही डालना, ईमेल आईडी हमेशा सही डालना इसमें, बस ये आपको हो गया। अब नीचे आओगे, नीचे जैसे आओ तो ये सब सोशल आईडी है, तो आपको ट्विटर का यूजर नेम क्या है आपका, यहाँ पे जरूरी नहीं है पर आपको ये डालना होगा तो डाल सकते हो, ठीक है। इनिशियल स्लाइड करना, फिर उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना, ठीक है। ये आपका सेव हो गया, अब ये भी हो गया। इसके बाद एडुकेशन पूछेगा, तो स्कूल का कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी डाल देना, ठीक है, डाल देना यहाँ पे। फिर यहाँ पे डिग्री डाल देना, फिर स्टडी डाल देना, कोई भी डालो, मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पे कंप्लीट वर्किंग एक्सपीरियंस पूछ रहा था, ये भी इजी है, इसमें भी कुछ भी डाल देना, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ,
अब जॉब टाइटल में भी डाल देना अपना कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट मंथ डाल देना, मैं डाल लेता हूँ। ये भी हो गया, अब ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्लेम का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे 0.1 इथेरियम आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे क्लेम पे करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक विदाउट कॉन्फर्मेशन के थ्रू आपको क्लेम करोगे तो यहाँ पे क्लेम सक्सेसफुल हो जाएगा। आपका मेटामास में देखोगे गोरेली ETH आपको 0.1 आपको मिल जाएगा। जैसे मेरे पास 0.0 कुछ था तो यहाँ पे देखो 0.0 हो गया ना, 5.9 था तो 0.01 हो मिल गया, 60 हो गया। अब देखो इसमें आगे का क्या टास्क करना है, इसमें बैक आ जाना, ठीक है। अब जैसे बैक आ जाओगे, बैक आने के बाद यहाँ आपको देखिएगा यहाँ पे स्टार्ट स्टार्ट लिखा है, तो यहाँ आपको वेरीफाई करना है। आपने टास्क पहले प्रोफाइल में कंप्लीट कर लिया है, अब इसको वेरीफाई करो तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। बैक आओ, इसको भी करो, ये भी आपका हो गया, डन हो गया। अब इसको भी स्टार्ट पर टाइप करो, ये भी आपका सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा, ये भी हो गया। फिर से बैक इसको भी करो, देखो ये भी आपका हो गया, ठीक। देखो कितना ईजी में हो रहा है, क्योंकि अभी उतना वायरल हुआ है नहीं है ना, इसके कारण टास्क एकदम अच्छे तरह से हो रहा है। तो ये देखो वेरीफाई हो गया, ठीक। अब ये वेरीफाई हो गया, अब देखो जैसे वेरीफाई हो, उसके बाद आपको फ्री मिंट का ऑप्शन आ जाएगा। देखो फ्री मिंट का ऑप्शन आ गया ना, चार तीनों टास्क करने के बाद, उसके बाद फ्री मिंट। अभी ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं है, मात्र 635 लोग है, तो याद रखना मैं कब बताया था, 635 लोग के बीच में बताया हूँ, ठीक है। फ्री मिंट पर टाइप करना, और जैसे फ्री मिंट करो तो मेटामास्क का एक कन्फर्मेशन आएगा, और ये कन्फर्मेशन आपका बहुत लो फी में कटेगा। देखो कितना 0.34 का कट रहा है, ये आपका फ्री मिंट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फ्री मिंट ये हो जाएगा तो ये आपका ट्रांजेक्शन चेक करेगा, उसके बाद आपको अप्रूव कर देगा, ठीक। ये आपका एक टैलेंट आईडी आपका कंप्लीट हो गया, जो कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये आईडी रहेगा तभी आगे का टास्क करोगे। अभी आगे और भी टास्क है, अगर आप चाहो तो इसको शेयर करना चाहो तो शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब आइए चलते हैं आगे का टास्क कौन सा क्या करना। तो अब देखो ये करने के बाद आपको एक और लिंक देंगे, आपको दो तीन लिंक देंगे जो कि आपको जिससे आपको मिंट करना है। यहाँ पे पेस्ट करोगे, जैसे पेस्ट करोगे तो पेस्ट करने के बाद ऑटोमेटिक वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, तो ये आपको बोट चेक करेगा, बॉट हो कि नहीं हो। यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन लिखा हुआ है टैलेंट्री करके हुआ है, कॉपी कर लो। जैसे ये कॉपी करोगे, देखो यहाँ कॉपी करें, तो यहाँ पर कॉपी करो ये वाला, ठीक है। या लिख दो डायरेक्ट कि टैलेंट्री लिख दो, ठीक है। जो भी लिखा हुआ ऊपर में टैलेंट्री करके, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको भी लिखना है। लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। जैसे वेरीफाई करोगे तो आपका ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर मिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, इसको मिंट कर लो, ठीक है। जैसे मिंट करो कन्फर्मेशन आएगा, ये भी आपका मिंट हो गया, ठीक। यहाँ पर देखो ये भी आपको कम फी लगेगा, ये भी मिंट हो गया। अब जैसे मिंट हो जाएगा उसके बाद देखो वेट करो, मैं वेट कर लेता। देखो ये भी मिंट हो गया आपका, ये भी मिंट हो गया। आपको मैं एक और लिंक दूंगा जो कि सेकंड का है, ये भी इसको मिंट करना है आपको। एक जो मिंट करना है, ये जो आईडी मिंट है ये अलग हो गया, उसके बाद आपको एक और मिंट करना है, ठीक है। ये वॉलेट बिगिनर NFT है, उसके बाद ये एक और मिंट करना है, इसको मिंट करना है, ठीक है। सब इजी टास्क है, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या लिखा है, मिंटेड मिंटेड NFT इथेरियम गोरोली फ्रॉम 1 अप्रैल। तो स्टार्ट टैप करना, जैसे स्टार्ट पर टैप करो तो यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो वेरीफाई पर ऑप्शन पर टैप करोगे तो आपका ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद बैक आ जाना, बैक आने के बाद, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे इस NFT को मिंट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लोड ले रहा है, तो जैसे बैक आ गए उसके ऊपर फ्री मिंट करना है, इसको वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो ये भी आपका वेरीफाई हो जाएगा और इसको मिंट कर लेना। मिंट करोगे तो मेटामास्क का कंफर्मेशन आएगा और उसको कंफर्म करना, वो भी देखो कितना कम फी कट रहा है, ठीक है। अब ये भी कंफर्म हो गया। अब एक और मैं आपको दूंगा लास्ट जो है, फिर उसके बाद एक और आपको देंगे मिंट करने के लिए, वो भी आपको क्या करना होगा, इसको भी स्टार्ट करना होगा और स्टार्ट पर टाइप करोगे, फिर वेरीफाई करना होगा, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद बैक आ जाना, बैक आने के बाद यहाँ पे आपका जैसे वेरीफाई हो जाएगा, बैक आने के बाद फ्री मिंट का ऑप्शन आएगा, फिर मिंट पे टैप कर लेना, ठीक है। तो ये भी आपको इजी, देखो जो भी स्टेप मैंने बताया आपको, इजी स्टेप बताया है। अभी देखो और भी इसमें काम करना, बहुत इजी इजी टास्क है। देखो यहाँ पे कंफर्म करोगे, कंफर्म करने के बाद ये आपका तीन, देखो पहले आपको आईडी मिंट करना है, क्या करना है, पहले आपको आईडी मिंट करना है, फिर आईडी मिंट के बाद तीन NFT को मिंट करना है। देखो एक हुआ, दो हुआ और ये तीन हुआ, ठीक है। उसके बाद एक और टैब खोलोगे तो मैं आपको फॉरम का लिंक दूंगा, ठीक है। फिर फॉरम का लिंक देंगे तो फॉरम में आपको फिल कैसे करना है, इसमें वही ईमेल आईडी डालना जो ईमेल आईडी आप उस टाइम यूज किए हो, ठीक है। तो वही ईमेल आईडी डालना, देखो जैसे मैं ईमेल आईडी जो यूज किया हूँ वही डाल देते हैं, ऑटोमेटिक मैंने ले लिया है, ठीक है। अब ईमेल आईडी यहीं मैं डाल लेता हूँ। अब यहाँ पे वॉलेट एड्रेस वही डालना जिससे आपका गैलेक्सी में कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप चेक करना कैसे चेक करोगे, तो यहाँ पे गैलेक्सी ओपन ओपन करना, ठीक है।
तो यहाँ पे वही एड्रेस डालना जी जो आपका गैलेक्सी में कनेक्ट है। तो यही मेरा गैलेक्सी में कनेक्ट है, तो यहाँ पे फॉर्म में वही डालेंगे, मेटामास्क में आ जाना। और मेटामास्क में आने के बाद मेटामास्क पे टाइप करोगे, टाइप करने के बाद एड्रेस को अपना कॉपी कर लेना, ठीक है। अब एड्रेस को कॉपी किए, एड्रेस को कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब नीचे क्या लिखा है, एनी सजेशन, अगर आपको कुछ सजेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो, तो अपने हिसाब से दे देना, मैं दे दूंगा। और यहाँ पर लिखा है ये अपलोड स्क्रीनशॉट रन इशू इन टेस्ट, अगर आपको कोई इशू हो तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको सबमिट कर देना है, ठीक है, फॉर्म को सबमिट करो, फाइल अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया, उसके बाद अब क्या करना है, जैसे ये हो गया, अब आपको एक और लिंक देंगे जो लास्ट लिंक है, जो कि आपको यहाँ पे काम करना। तो अब देखो लास्ट इसमें कौन सा क्या काम है, तो यहाँ पे लास्ट गैलेक्सी का टास्क देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेस्ट करोगे, जैसे पेस्ट करोगे तो यहाँ पे गैलेक्सी का टास्क है, इसको कैसे करना है, देखो यहाँ ऑटोमेटिक आपका काम होते जाएगा। तो यहाँ पे कैसे ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि हम लोग जितना टास्क करते आए हैं सारा टास्क इसी में आपका ऑटोमेटिक होगा। देखो नीचे आए हैं तो यहाँ पे मेरा सारा टास्क ऑटोमेटिक कंप्लीट हो रहा है ना, यहाँ पर लिखा है कि गैलेक्सी वन, ये आपको साइन करना होगा, ठीक है, साइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और साइन आ गया, देखो कौन कौन सा बोला है, यहाँ पे 60 पॉइंट हमने क्या क्या किया है, कंप्लीट प्रोफाइल मिंट आईडी ये वाला किया है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे कंप्लीट ऑटोमेटिक हो गया, फिर यहाँ पे 20 पॉइंट एनएफटी बैज वाला किया है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में जो 20 पॉइंट ये जो बचा है एनएफटी मिंट बिगनर वाला किया, ये वाला किया, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है जो कि यहाँ पे नीचे आओगे तो ये वाला क्या, कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट हुआ है एनएफटी बिगनर इथेरियम वाला, जो कि यहाँ पे ये इथेरियम वाला हम लोग का हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे आपको मान केवल आपको 150 पॉइंट ही क्लेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक देखो यहाँ पहले स्विस नेटवर्क को इसको कर लो, ऑप्टिजम नेटवर्क पे इसको करना है, ठीक है। अब जैसे ऑप्टिजम नेटवर्क को करोगे तो यहाँ स्विस नेटवर्क कर लेना, ठीक है, ये आपको ऑटोमे ऑप्टिजम पे आ जाएगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक अभी भी तो क्लेम का ऑप्शन आ रहा है, पर आपको 150 पॉइंट करना होगा, उसके बाद क्लेम करना है। तो यहाँ पे 120 पॉइंट है, अब 150 पॉइंट कैसे करोगे, अगर पॉइंट मिल जाएगा, मैं ट्विटर को फॉलो कर लेता हूँ पहले, पे रिट्वीट कर लो तो आपको 150 पॉइंट ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप और कोई टास्क करने की जरूरत नहीं, आप क्वेट रिट्वीट करोगे तो ये भी यहाँ से भी आपका 30 पॉइंट 20 पॉइंट मिलेगा। तो 20 और 10 30 और 120, फिर 150 हो गया, 150 कंप्लीट हो गया, ठीक। अब देखो ये हो गया, ये भी हमने कर दिया, इसको वेरीफाई करो और इसको भी वेरीफाई करो, ये दोनों वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ये दोनों वेरीफाई हो तो आपका यहाँ 150 पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक 150 आपको आ जाएगा, ठीक। मेरा ये भी टास्क कंप्लीट हो गया, कैसे भी आपको 150 करना है, 150 कैसे करना है मैंने ऑलरेडी बता चुका है। यहाँ पे आपको पहले तो आईडी मिंट करोगे, फिर तीनों एनएफटी मिंट करोगे तो आपको यहाँ पर 100 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्विटर फॉलो करोगे, रिट्वीट करोगे, आपको यहाँ पर 150 पॉइंट हो गया, ठीक है। और आपको वैसे भी 150 पॉइंट जल्दी नहीं होगा तो आपको फॉर्म का भी 30 पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा, पर फॉर्म को जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने आज इतना अच्छे से बताया। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लेम करना है, क्लेम करना है, आपको 1 रुपये का फी देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपका ये क्लेम हो जाएगा, ठीक। ये क्लेम होने के बाद आपको लास्ट एक और गैलेक्सी का टास्क करना है, ठीक है, ये आपको ये हो गया। अब लास्ट आपको एक और गैलेक्सी का टास्क करना है, कौन सा करना, देखो यहाँ पर मैं लिंक डालता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको कर लेना है। जैसे इसको टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक जब 100 पॉइंट हो जाएगा ना, तब आपको एनएफटी मिंट हो जाएगा। इस किस पे करना है, आपको बीएससी नेटवर्क पे करना है, कौन सा नेटवर्क पे, बीएनबी चेन पे करना है, बीएनबी चेन पे स्विच नेटवर्क पे कर लेना। और जैसे भी बीएनबी चेन पे कर लो स्विच नेटवर्क पे, तो ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लेम का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये इतने आपको कुछ हम डिटेल पढ़ा देते हैं। यहाँ पर लिखा है कि बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग स्पेशल एनएफटी है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये 150 पॉइंट होगा, उसके बाद 100 पॉइंट होने के बाद क्लेम हो जाएगा। और यहाँ पे फ्यूचर एयर ड्रॉप फॉर टैलेंटेड टोकन, समझ गए, इसलिए मैं इसको इस पर ज़्यादा फोकस किया हूँ, अर्ली एडवांसेज, ठीक है, बहुत सारा चीज़ है, इसको बस आके इसको क्लेम कर लेना। अभी ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं, मात्र 207 लोग ज्वाइन है, देखो आपको सामने किस पे होगा, बीएनबी का मेन नेट पे होगा। जैसे क्लेम पे टाइप करोगे तो बीएनबी का मेन नेट पे होगा, मेरे पास अभी बीएनबी है नहीं, मैं बाद में क्लेम कर लूँगा। ये देखो कितना भी फी लग रहा है, देखो यहाँ पर मेटामास्क खोलते हैं, और यहाँ मेटामास्क खोलने के बाद तो यहाँ पर फी देखो कितना कम लग रहा है, 0.000, मतलब 3-4 रुपये लगेगा, बस आपको इसको बीएनबी नेटवर्क पे क्लेम कर लेना है। मेरे पास अभी है नहीं, बाद में डिपॉजिट करके क्लेम कर लेंगे, बस इतना टास्क करना है। अब देखो स्टार्टिंग आपको पॉइंट के स्टार्टिंग बताता हूँ कैसे करना है, यहाँ पे आपका काम खत्म होगा। अब देखो कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे ट्विटर पर इनको फॉलो कर लेना। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा टास्क है, जैसे यहाँ पे देखो पहले आपको एनएफटी मिंट आईडी आपको पहले इसको
मिंट करना है, उसके बाद आप 3-4 NFT को मिंट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म भरना है, उसके बाद गैलेक्सी का टास्क करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे इनको टास्क करने के बाद 150 पॉइंट होने के बाद NFT को मिंट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये 1 NFT को मिंट कर लोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको कट कर लेते पहले, फिर टैलेंटर का मेन NFT आपको मिंट करना है, फिर आपको BNB मेननेट पे आपको इसको क्लेम करना है, बस यही काम करना है, कर लो। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से देखने को मिल जाएगा आपको, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।